तुम लोग तो बहुत ही गरीब हो। तुम्हारी माँ दूसरों के घरों में काम करती है। हम सबसे अमीर पक्षी हैं क्योंकि मेरी मम्मी पापा के पास बहुत सारा पैसा है। माँ, मैं अब अपने दोस्तों के साथ खेलने कभी नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं तुम बहुत गरीब पक्षी हो। अरे बेटा, कोई बात नहीं, उन्हें ऐसा कहने दो। क्योंकि आपके पापा नहीं है इसलिए वह हमारा मजाक उड़ाते हैं और मुझे दूसरों के घरों में काम करने जाना पड़ता है। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है और आपका बेटा अब सहन भी नहीं कर पा रहा है। टूनी चिड़िया के आंसू एक पत्थर पर पड़ते हैं, तभी वह पत्थर एक जादुई पत्थर में बदल जाता है। तुम एक बहुत अच्छे दिल की चिड़िया हो, मैं तुम्हें यहाँ पर रोज रोता हुआ देखता हूँ, इससे मेरा मन बहुत ही पिघल गया है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जंगल में एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना है, वह खजाना तुम ले सकती हो। भालू टूनी चिड़िया के पास आता है और टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया, मुझे तुम्हारे मदद की बहुत जरूरत है। कालू कौआ और उसकी पत्नी गौरी टूनी को जाल में बंद कर देती है। अरे कालू कौए, क्या तुम खजाना लेने के लिए आए हो? क्या तुम बहुत ईमानदार पक्षी हो? हाँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ। क्या तुम कभी किसी का दिल नहीं दुखाते? मैंने आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है। अब कालू कौआ जैसे ही खजाने से हाथ लगाता है वह खजाना वहाँ से गायब हो जाता है। अब कालू कौआ वहाँ से सीधा टूनी चिड़िया के पास जाता है और उसका जाल हटाकर टूनी चिड़िया को आजाद कर देता है। क्या तुमने किसी का दिल दुखाया है? नहीं, मैं भला किसी का क्या दिल दुखाऊंगी, मैं तो खुद ही बहुत दुखी चिड़िया हूँ। तो तुम यह खजाना ले सकती हो। और वहाँ पर खजाना आ जाता है, तभी मुझे माफ कर दो, मैंने इस खजाने की लालच में तुमको घर पर बंद कर दिया और मैं तुम्हारा हमेशा से दिल दुखाता हुआ आया हूँ, मुझे माफ कर दो। उन्हें चिड़िया खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो एक दिन टूनी चिड़िया ने एक अंडा दिया और उस दिन उसका अंडा फूटा और उसमें से एक बच्चा बाहर आया। टूनी चिड़िया का बच्चा तो दो सिरों वाला था। चींकी और चींकी दोनों धीरे धीरे बड़ी होने लगी। तभी एक दिन वह जंगल की ओर जा रही थी कि पिंकी का सिर राइट में था, इसलिए उस पेड़ में पिंकी की पहली नजर गई। अब पिंकी मजे से वह फल खा रही थी। अरे वाह, ये फल तो कितना स्वादिष्ट है। पिंकी, तुम तो काफी देर से खा रही हो, अब मुझे भी खा लेने दो। अरे चिंकी, हमारा पेड़ तो एक ही है। अब चिंकी यूं ही चुपचाप रही पर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। अब अगले दिन भी इस बार लेफ्ट में पेड़ था, इसलिए चिंकी की नजर फल पर गई और वह उसे मजे से खाने लगी। तभी पिंकी ने कहा, अरे चिंकी, तुम तो बहुत देर से खा रही हो, थोड़ा सा फल मुझे भी खाने दो ना। नहीं, इस फल पर पहले मेरी नजर गई थी। इस तरह वह दोनों एक होते हुए भी अलग अलग भावनाएं उन दोनों में पैदा हुई। टूनी चिड़िया ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगी, बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो और हम चिड़िया पक्षी को एक बहुत ही मीठा फल खाने के लिए हमें दूर जंगल में जाना होता है। और चली गई, उन्हें वहाँ पीला फल दिखाई दिया है, उस फल को खाने लगी। और अब जब पिंकी जैसे ही बोली तो उसका गला बैठा हुआ था। चिंकी, जल्दी से हमारे घर चलो, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। अब तुम फिर से जंगल जाओ और वहाँ पर एक लाल फल दिखाई देगा, उसे खाना तो तुम्हारी गर्दन का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर वह फल तो लेफ्ट में था इसलिए उसको चिंकी ने खाया। अब चिंकी का पेट दर्द करने लगा। अरे बेटा, क्योंकि वह फल तो गर्दन ठीक करने वाला था और तुमने उस फल को खा लिया, उसे तो पिंकी को खाना था इसलिए ऐसा हुआ है। अगर तुम
ऐसा ना करके दोनों फलों को आधा आधा खाते ना तुम्हारे गले में दर्द होता और ना तुम्हारे पेट में। तब पिंकी और चिंकी दोनों ने अपनी माँ टूनी चिड़िया से माफी मांगी। माँ अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ माँ मैं भी कभी नहीं लड़ूंगी और हम दोनों जो मिलेगा वह मिल बांट के खा लेंगे। रामपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति चुनमुन के साथ समोसे बनाकर बेचा करती थी। उनके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि दूर दूर से बहुत सारे पक्षी उनके समोसे खाने आया करते थे। अरे चुनमुन जी हमारे समोसे तो बहुत ही अच्छे बिच रहे हैं और बाजार में सारे पक्षी इन समोसे को खाकर बहुत खुश हो रहे हैं। हम इनसे कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाएंगे। पर उनके पड़ोस में कालू कौवा रहता था जो टूनी और चुनमुन से बहुत ही चिढ़ता था क्योंकि उसके भी एक समोसे की दुकान थी जो टूनी के आगे बिल्कुल नहीं चलती थी। कौवा रात को टूनी के घर जाता है और उसके समोसे में दवाई डाल के वापस आ जाता है। अब टूनी और चुनमुन सुबह अपनी दुकान लगाते हैं जिनमें वह ही समोसे रख लेते हैं। उसके बाद उसकी दुकान पर कुछ ग्राहक आते हैं और उन समोसों को खाते हैं तो वह बीमार पड़ जाते हैं। तभी मेरे जाके कलेजे को ठंडक मिली है। अब घर जाकर टूनी रोने लगती है और अपने समोसे को बाहर फेंक देती है। तभी टूनी और चुनमुन सुबह जब बाहर देखते हैं तो उन्हें समोसे के कई सारे पेड़ दिखते हैं जहां पर बहुत ही बड़े बड़े समोसे लगे होते। नहीं चाहता था कि तुम्हारी मेहनत बेकार जाए। अब तुम इस पेड़ में से मन चाहे समोसे तोड़ सकती हो। तोड़कर अपनी दुकान फिर से लगा लेती है। सारे ग्राहक इनकी दुकान पर आओ। और टूनी की दुकान अब पहले से भी ज्यादा चलने लगी थी। वही कालू कौवा कहता है, अरे मैंने तो इनके समोसे में गंदी दवा मिला दी थी और फिर भी इनकी दुकान फिर से चल रही है। पता नहीं ये सब कैसे हुआ है। और अब जंगल में बहुत तेज सर्दियां पड़ने लगी थी। सर्दियां इस बार बहुत जल्दी आ गई थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सर्दी के वजह से छुपे हुए थे। इस बार बल्लू कबूतर और उसकी पत्नी ने स्वेटर और टोपी की दुकान लगाई थी। हाँ, इस बार कबूतर अंकल ने बहुत अच्छी दुकान लगाई है जिसमें बहुत ही सुंदर सर्दियों के टोपे और सब सामान मिल रहा है। हाँ मेरे बच्चे क्यों नहीं, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें लाकर दूंगा। कबूतर भाई मेरे बच्चे को एक अच्छा सा टोपा दे दीजिए। बच्चा जो टोपी पसंद करके गया था वह आपने मंगा दी क्या? हाँ बहन मैंने तुम्हारे बेटे के लिए वह टोपी मंगा दी है। देखो वह रही। पापा मैं तो यही टोपी लूंगा। अरे यह तो एक ही टोपी है, मेरे बेटे को तो वही टोपी देना। हाँ तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, मेरे बेटे को वही टोपी दो। वह खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। तब अरे कबूतर भाई आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। चुनमुन बेटा आप कोई दूसरी टोपी ले लीजिए। नहीं माँ मुझे तो वही टोपी चाहिए। घर आके रोने लगता है। अरे चुनमुन तुम्हारी माँ तुमको बिल्कुल प्यार नहीं करती, यहाँ से दूर चले जाओ फिर तुम्हारी माँ पूरी बात तुम्हारी मानेगी। अब चुनमुन अपने घोंसले से कहीं दूर चला जाता। मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया है। मेरे बच्चे तुम घर लौट आओ। इस तरह पूरी रात हो जाती है पर चुनमुन घर नहीं आता। अब चुनमुन को जब बहुत सर्दी लगने लगती है चुनमुन की आवाज़ सुनाई दी तो वह होश में आ गई और अपने बेटे ने बच्चे को सीने से लगा लिया।